नेक्स्ट टॉपिक इज T1 बाय T2 रेशियो। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज बीइंग आस्क्ड एवरीवेयर, गेट, IAS, PSU, गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ये टॉपिक हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह पूछे जाते हैं जिन भी एग्जाम से मैकेनिकल आती है। सबसे पहले तो हम इस डायग्राम को देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर हो रही है मेटल कटिंग, आपके पास एक वर्क पीस है और ये दर्शा रखा है हमने टूल और टूल स्टेशन। ये वर्क पीस राइट की तरफ मूव कर रहा है, विद अ वेलोसिटी वी, एक वेलोसिटी वी के साथ। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक प्लेन नजर आ रहा है आपको, SO, एक प्लेन आपको नजर आ रहा है यहां पर SO। दिस प्लेन इज कॉल्ड शियर प्लेन क्योंकि इस प्लेन में होती है शियर, ठीक है। तो जैसे ये टूल इस तरफ मूव कर रहा है, वर्क पीस इस तरफ जा रहा है, इस प्लेन के अंदर शियरिंग हो रही है और जो मटेरियल है वो वर्क पीस से रिमूव होके इन द फॉर्म ऑफ चिप्स की फॉर्म में जो टूल है टूल के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। सो देयर आर टू सरफेसेस इन द टूल, जो हमने यहां पे टूल दिखाया उसमें दो सरफेसेस है। एक है ऊपर का सरफेस, दैट्स कॉल्ड रेक सरफेस जिसपे टूल की चिप्स स्लाइड करती है, और दूसरा होता है फ्लैंक जिसे हमने बेसिकली वर्कपीस से टच होने से बचाया। तो जो रेक सरफेस जो मशीन्ड सरफेस के नॉर्मल से जो एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड रेक एंगल अल्फा, ठीक है। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, जो मशीन सरफेस है हमारा ये वाला, उसके जो नॉर्मल डायरेक्शन है ये वाली वर्टिकल, इससे जो हमारा रेक सरफेस एंगल बना रहा है, This angle is basically alpha. ये क्या है हमारा? ये है हमारा रेक एंगल, ठीक है। हमने क्या किया है? हमारा मेन मकसद जो इसके अंदर, इस टॉपिक में जो हमारा मेन मकसद है वो है क्या निकालना? वो है निकालना ये एंगल phi, ठीक है। ये एंगल क्या चीज है? जो शियर प्लेन SO शियर प्लेन जो मशीन सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज phi, ठीक है। जो हमारा शियर प्लेन ये वाला SO मशीन सरफेस यानी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना है, दैट एंगल इज phi, और हमारा टास्क है हमें इस एंगल phi की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली दिक्कत ये है क्या कि आप T1 को आसानी से मेजर कर सकते हो, आप T2 को आसानी से मेजर कर सकते हो, पर आप एंगल phi को प्रैक्टिकली आसानी से मेजर नहीं कर सकते। तो हम phi एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले द क्वेश्चन इज T1 और T2 है क्या? तो क्या चीज है, मैंने ये मशीन सरफेस को मैंने डॉटेड एक्सटेंड कर लिया है और जो मेरा पॉइंट S है उससे मैंने एक वर्टिकल ड्रॉ किया है, या फिर मशीन सरफेस पर एक प्रिपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है। तो जो हॉरिजॉन्टल या मशीन सरफेस के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसे मैंने नाम दिया है SM, एंड दैट्स माय अनकट चिप थिकनेस T1। ये क्या है? ये है हमारी अनकट चिप थिकनेस T1, और जो चिप्स यहां से प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी जो थिकनेस है दैट्स T2। तो जो चिप्स यहां से प्रोड्यूस होकर निकलेगी उनकी थिकनेस कितनी है? T2। तो इस चिप थिकनेस को नापने के लिए मैंने क्या किया है, ये पॉइंट S से मैंने रेक सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, तो ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया, दैट्स माय SM, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, एक है SM, ये है मेरी अनकट चिप थिकनेस T1, और दूसरा आपको नजर आ रहा है SN, ये है मेरी चिप थिकनेस T2। तो ये दो चीजें मेरे पास है और मेरा मकसद है एंगल phi की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो अब मैं दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करूंगा, द एनालिसिस इज रियली वेरी सिंपल। एक बार आप वीडियो देखेंगे आपको एनालिसिस हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये इतना ज्यादा आसान है। हमें करना सिर्फ इतना है कि दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है। वो दो ट्राइंगल्स कौन सी है? द ट्राइंगल्स आर OQP, द ट्राइंगल्स दे आर ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल PSN, ठीक है। तो इन दो ट्रायंगल्स को मैं कंपेयर कर रहा हूं, और इनकी खास बात क्या है कि दोनों ही ट्रायंगल्स में ये एंगल P ये कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल्स में, और दोनों ही ट्रायंगल्स में एक एंगल है 90 डिग्री।
तो इसके अंदर ये एंगल है 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में ये एंगल है 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल कॉमन है और एक एक एंगल दोनों में 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि जो तीसरा एंगल होगा दोनों ही ट्रायंगल्स में उसकी वैल्यू सेम आएगी। सो इफ दिस एंगल इज रेक एंगल अल्फा, इसका मतलब क्या होगा कि मेरा ये एंगल भी क्या हो जाएगा अल्फा। समझ आया? ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स है ओ क्यू पी और पी एस एन, दोनों में एंगल कौन से ट्रायंगल्स है ओ क्यू पी राइट एंगल ट्रायंगल है और पी एस एन ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों के अंदर एक एक एंगल है 90 डिग्री, एक एंगल पी दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब तीसरे एंगल की वैल्यू भी क्या आएगी सेम आएगी। सो अगर ये एंगल है मेरा अल्फा तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा। सो क्योंकि मेरा ये एंगल दैट्स माय शेयर एंगल एस ओ हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा था दैट्स फाई, ये क्या है मेरा शेयर एंगल। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सो इफ दिस एंगल इज फाई देन दिस एंगल वुड बी ऑल्सो फाई, तो ये एंगल फाई आ गया तो कंप्लीट एंगल भी फाई होगा और ये जो मेरे पास ये बचा हुआ एंगल है ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा फाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो मैंने वैल्यू निकाली है किसकी, मैंने वैल्यू निकाली है एस एंगल ओ एस एन की एंड इट्स वैल्यू इज फाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आ गई है मेरे पास फाई माइनस अल्फा। एनालिसिस बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ दो ट्राइंगल्स को देख के एस ओ की लंबाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो दो ट्राइंगल्स कौन सी है, एक ट्राइंगल है एस एम ओ और दूसरी ट्राइंगल है ओ एस एन, इन दोनों ट्राइंगल्स को देख के आपको सिर्फ ओ एस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हम में से हर कोई जानता है क्या कि एस ओ यानी शेयर प्लेन की लंबाई ये किसके बराबर है, दैट विल बी माई एस एन डिवाइडेड बाय साइन फाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी एस एम डिवाइडेड बाय साइन फाई। ठीक है, अगर आप इस ट्रायंगल से कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप इस ट्रायंगल से कंपेयर कर रहे हैं इस ट्रायंगल से, तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि इट इज इक्वल टू एस एन डिवाइडेड बाय कॉस फाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो क्लियरली नजर आ रहा है क्या कि एस ओ क्या हो जाएगा, That will be my base Sn divided by cos phi minus alpha. So that will be the value of So. ठीक है, तो this is equal to this और Sm ये क्या है, That's basically Sm, that's my T1 by sin phi is equal to T2 divided by cos phi minus alpha. तो क्या आ गया मेरे पास T1 by T2 is equal to sin phi divided by cos of phi minus alpha and this ratio T1 divided by T2, this ratio is represented by R and that is what is known as cutting ratio. ये जो ratio R है T1 by T2 that is equal to sin phi cos phi minus alpha और इस ratio को हम क्या बुलाते हैं, we call this ratio cutting ratio. ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम एक और वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो वे क्या होगा, अगर आप इस cos phi minus alpha की वैल्यू खोल लें, सो व्हाट वी गेट इज r इज इक्वल टू sin phi डिवाइडेड बाय cos phi cos alpha प्लस sin phi sin alpha. सो व्हाट वी गेट इज, अगर आप इसे इस तरफ लें, वी गेट r cos alpha cos phi प्लस आर साइन अल्फा साइन फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव. ठीक है, तो साइन की टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, कॉस की टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, सो व्हाट वी गेट इज आर कॉस अल्फा कॉस फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव इंटू वन माइनस आर साइन अल्फा. तो इस हिसाब से अगर आप इसको इधर ले जाओ, इस टर्म को इधर ले आए, सो व्हाट वी गेट इज टेन phi is equal to r cos alpha divided by 1 minus r sin alpha. So this is an another very very important formulas. हमने दोनों formulae जो किए हैं they are extremely important, specially for gate IES PSU and government jobs. ठीक है.